चीन के ट्रैप में फंसे मालदीव के लिए भारत तारणहर्ता बनकर सामने आया है। कोविड 19 महामारी के कारण अर्थव्यवस्था पर पड़े प्रभाव से निपटने के लिए भारत ने मालदीव को 25 करोड़ डॉलर की वित्तीय सहायता दी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक मालदीव सरकार पर चीन का 3.1 अरब डॉलर का भारी भरकम कर्ज है, वो भी तब जब मालदीव की पूरी अर्थव्यवस्था करीब 5 अरब डॉलर की है। इसे चीन के खिलाफ भारत की रणनीति के तौर पर भी देखा जा रहा है। बताया जा रहा है कि मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलेह ने कोरोना के कारण पैदा हुए आर्थिक संकट से निपटने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मदद के लिए आग्रह किया था, जिसके बाद ये फैसला लिया गया। सहायता के लिए भारत का शुक्रिया अदा करते हुए राष्ट्रपति सोलेह ने ट्विटर पर लिखा, जब भी मालदीव को एक दोस्त की मदद की जरूरत होती है, भारत ऐसे मौकों पर सामने आता है। पीएम मोदी सरकार और भारत के लोगों को तहे दिल से शुक्रिया। उन्होंने आज 25 करोड़ डॉलर की मदद कर पड़ोसी होने का भावना और उदारता दिखाई है। वहीं मालदीव के विदेश मंत्री ने भी भारत के तारीफों के पुल बांधे। आज पूरी दुनिया एक ऐसी चुनौती के साथ जूझ रही है जैसी आज तक नहीं हुई। एक ऐसा दुश्मन जिसे हम देख नहीं सकते, एक ऐसा खतरा जिसे हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते, एक ऐसा वायरस जिसने पूरी दुनिया की हवाई सेवाओं को रोक दिया और सारे देशों के मुश्किल फैसले लेने को मजबूर कर दिया, एक ऐसी महामारी जिसने हमें अपनी सीमाओं और अपने घरों को बंद करने को मजबूर किया है। लेकिन हमारे मित्रों ने हमेशा की तरह ये साबित कर दिया कि ये महामारी उन्हें अपने दिल के दरवाजे बंद करने पे मजबूर नहीं कर पाई, और भारत ऐसे मुश्किल समय में भी हमारा एक महान मित्र रहा है। मालदीव के राजस्व का एक तिहाई हिस्सा पर्यटन से आता है, इसलिए कोविड 19 के कारण वहां की अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ा है। उधर चीन इस स्थिति का फायदा उठाकर छोटे देशों को अपना शिकार बना रहा है। आरोप है कि चीन पहले कर्ज देता है और फिर कर्ज ना लौटा पाने की स्थिति में उस देश की सरकारी नीतियों को प्रभावित कर चीनी कंपनियों को ठेका दिलाने का काम करता है। श्रीलंका और लाओस के बाद भारत का एक और पड़ोसी मालदीव भी चीन के कर्ज के पहाड़ के तले दबता जा रहा है। मालदीव के पूर्व प्रधानमंत्री और वर्तमान समय में देश के सांसद के स्पीकर मोहम्मद नशीद कहते हैं कि देश पर चीन का कुल करीब 3.1 अरब डॉलर कर्ज है। नशीद ने देश में जिन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्सों के लिए चीन से लोन लिए गए उनकी व्यवहारिकता पर सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा था कि क्या ये प्रोजेक्ट इतना राजस्व दे पाएंगे कि उनके जरिए कर्ज को वापस किया जा सकेगा। इन परियोजनाओं का बिजनेस प्लान ये कहीं नहीं दर्शाता है कि लोन को वापस चुकाया जा सकेगा। इसमें सरकारों के बीच लिया गया लोन, सरकारी कंपनियों को दिया गया लोन और प्राइवेट कंपनियों को दिया गया लोन शामिल है, जिसकी गारंटी मालदीव सरकार ने दी है। नशीद को यह डर सता रहा है कि मालदीव चीन के कर्ज के जाल में फंस सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।